बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम चैप्टर कर रहे हैं मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसके क्वेश्चन आंसर्स में आज हम करेंगे वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज इनटू नाउंस। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स और एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउंस में चेंज किए जा सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि व्हाट आर द रूल्स, के वो रूल्स और मेथड क्या हैं जिनको अप्लाई करके हम वर्ड्स को नाउंस में चेंज कर सकते हैं। फिर हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड, अपनी सोचें तब्दील करो, आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी। और सोचें कैसे तब्दील होती हैं? बाय रीडिंग बुक्स। अ गुड बुक कैन चेंज योर लाइफ। एक अच्छी किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और वो अच्छी किताब कौन सी है? वो अल्लाह की किताब है, जिसको कुरान मजीद कहते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आज से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें। ये अल्लाह ताला का तारुफ भी है। वर्ड्स जो हैं, जो हमने आज प्रैक्टिस करने हैं, उनमें सेव और जस्टिफाई वर्ब्स हैं, और एक्साइटेड, डिवास्टेटिंग, एक्टिव, हेल्पलेस, होपलेस और एबल जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। तो हम देखते हैं कि हम इनको नाउंस में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज इनटू नाउंस, व्हाट आर द रूल्स। तो आमतौर पे टू मेथड्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है एडिंग सफिक्सेस। Add ends or ends to verbs, the verb appear will become appearance. Appearance is a noun. Yani suffix jo word ke end mein aap add karte hain. Phir hai meant. Jaise enjoy hai verb, isme aap meant add karenge to enjoyment ban jayega, jo ke ek noun hai. Isi tarah aap T-I-O-N शन या S-I-O-N शन ऐड करेंगे तो इनफॉर्म से इंफॉर्मेशन बन जाएगा। इसके अलावा हम I-T-Y भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल से रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुफिक्स जो है, कोई भी आपने देखा कि रूट वर्ड के एंड पे कोई हम एडिशनल वर्ड्स लगाते हैं तो उससे सुफिक्स कहते हैं, जैसे एवेपोरेट से एवेपोरेशन, कंडेंस से कंडेंसेशन, इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूशन, एडमोनिश से एडमोनिशन और टेंस से टेंशन। अब जब भी आप वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को नाउंस में चेंज करें तो ऑलवेज डबल चेक करें बाय कंसल्टिंग योर डिक्शनरी, कि डिक्शनरी में जब आप चेक करते हैं तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आगे वर्ड के मानी के साथ ज़रूर लिखा होता है। तो इस तरह से आपको डबल चेक हो जाएगा आपका। दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है एडजस्टिंग द सेंटेंस। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है लोकेट द वर्ब, जैसे द फिल्म इम्पैक्टेड द स्टूडेंट्स। फिल्म ने स्टूडेंट के ऊपर असर छोड़ा, तो इम्पैक्टेड जो है वो वर्ब है, हमने इसको एनसर्कल किया। सेकंड स्टेप है ऐड एन अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर बिफोर द वर्ड। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड लाइक द, अर और ए। द और ए डिटर्मिनर है। अब हम इसी एग्जांपल्स को लेते हैं। अब हम रीराइट करेंगे सेंटेंस को। द फिल्म इम्पैक्टेड द स्टूडेंट्स को हम रीराइट करेंगे तो ये बन जाएगा The film had an impact on the students. तो क्योंकि वॉवल से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम एक ही जगह एन लगाएंगे। तो अब हम कुछ जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं सेंटेंसेस की और जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको प्रॉपर प्लेस करते हैं। पहली एग्जांपल है डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। कंसर्न फिक्रमंदी को कहते हैं, सेफ्टी हिफाजत को, और पेशेंट्स मरीजों को कहते हैं। तो हमने सेव को सेफ्टी में चेंज कर दिया बाय एडिंग टी वाई। तो सेफ्टी इज़ अ नाउन, तो सेव इज़ द वर्ब, तो वर्ब से नाउन बाय एडिंग सफिक्स टी वाई।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस है इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राउड लाउडली. तो हमने एक्साइटेड वर्ड को सुफिक्स मेंट ऐड करके एडजेक्टिव से नाउन एक्साइटमेंट बन गया, जोशो खरोश. और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन. फ्लड्स सैलाब जो हैं बहुत ज़्यादा तबाही फैलाते हैं. तो इसमें हमने जो है डिवास्टेशन नाउन बनाया है. डिवास्टेटिंग में हमने सुफिक्स TION ऐड किया तो ये डिवास्टेशन नाउन बन गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. पॉजिटिव एक्टिविटी कीप यू हेल्दी, मुस्बत एक्टिविटी आपको सेहतमंद रखेगी. अब इसमें हमने एक्टिव के एंड पे सुफिक्स TY ऐड किया तो एडजेक्टिव जो है वो एक्टिविटी नाउन में चेंज हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर हेल्पलेसनेस वाज क्वाइट ऑब्वियस, उसकी बेबसी बहुत वाजिया थी. अब हमने हेल्पलेसनेस जो है वो नाउन बनाया है एडजेक्टिव हेल्पलेस से. हमने इसमें सुफिक्स नेस ऐड किया है तो ये हेल्पलेस से हेल्पलेसनेस नाउन बन गया. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेंटेंस है शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस. आप देखें कि वो एक नाउमीदी या मायूसी की हालत में थी तो हमने होपलेस से होपलेसनेस बनाया. होपलेस के अंदर हमने एडजेक्टिव के साथ एक सफिक्स ऐड किया नेस तो ये बन गया नाउन होपलेसनेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, उसके अंदर वो काबिलियत है जो उस जॉब के लिए चाहिए. तो हमने एबिलिटी जो है वो नाउन बनाया. एबल के अंदर हमने IT ऐड किया एंड पे सफिक्स एडजेक्टिव प्लस सफिक्स और इट चेंजेस इनटू नाउन एबिलिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, क्या तुम्हारे पास इस अमल का कोई जवाब है. तो हमने जस्टिफिकेशन जो है वो नाउन है. हमने जस्टिफाई वर्ब प्लस सफिक्स ition ऐड किया तो ये जस्टिफिकेशन नाउन बन गया. उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.